कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयर फोर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाई यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज़्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों को इंटरनेशनल मार्केट में आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया है। वैक्सीन की किल्लत लगातार दिल्ली में हो रही है और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। इसके लिए तमाम राज्य सरकारें केंद्र से वैक्सीन की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है यूपी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र उड़ीसा से और उड़ीसा दिल्ली से लड़ रहा है वैक्सीन के लिए, क्योंकि वैक्सीन के लिए अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो सभी राज्यों को अपने अपने तरफ से बोली लगानी पड़ रही है, दाम लगाने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और इससे भारत की एक खराब छवि बन रही है। एक देश के तौर पर भारत को सभी राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए और केंद्र सरकार को वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए।